अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हूं शेख जब्बार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमदोसना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिब्रा, ईयरली हॉरोस्कोप 2023, आपका अपकमिंग ईयर कैसा रहेगा? लिब्राज, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस साल में कौन कौन से प्लैनेट्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं और उसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा। दोनों बड़े प्लैनेट्स जो हैं वो अपना घर जो है वो तब्दील करेंगे। एक जुपिटर जो है वो उसने तो अभी दिसंबर में भी चेंज किया और फिर मिड ऑफ द ईयर भी चेंज करेगा, जबकि सैटर्न मार्च में अपना घर तब्दील कर रहा है। इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, किन किन घरों पर इनकी नजरात होंगी, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपकी फाइनेंस, आपकी एंगेजमेंट, आपकी लव लाइफ, बच्चे औलाद के हवाले से बात करेंगे, आपकी एजुकेशन, आप चाहे वो किसी भी स्केल की है, आपकी शादी, आपकी अज़दवाजी खुशियाँ, आपका हेल्थ, आपका कैरियर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपकी फाइनेंस, इन तमाम चीज़ों पर इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल इन द बिगिनिंग में बताता चलूँ, उन लोगों के लिए जो कि नए हमारे चैनल पे आए, ये उनके लिए है, चूँकि जो पुराने उनको तो खैर इस चीज़ का पता है। ये जितनी इन्फॉर्मेशन है ये जनरल है, इंडिविजुअल अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने मामला को डिस्कस करना चाहते हैं, अपने लिए 2023 जानना चाहते हैं कैसा रहेगा और कौन कौन से प्लैनेट्स आपके जायचे, क्योंकि यहाँ पे असेंडेंट चेंज होता है, मून साइन चेंज होता है, सन साइन तो वही रहेगा, लेकिन बाकी जो इम्पैक्ट हैं, एट द बर टाइम आपके प्लैनेट्स क्या थे, कहीं उसके साथ कोई नेगेटिव प्लैनेट जो है वो कंजक्शन तो नहीं या पोजिशन तो नहीं करने जा रहा, और इन चीज़ों को हम जो है वो वहाँ पे मैयर करते हैं और आपके लिए अलग से सदकात भी रिकमेंड किए जाते हैं। इसी तरह जेम थेरेपी भी उसी के अकॉर्डिंग आपको बताई जाती है, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं। सो ये जो जायचा है ये 2023 जनरल है। सबसे पहले मैं बात करूँगा जुपिटर के ऊपर। जुपिटर जो है वो आपके जायचे के सातवें घर में आ चुका है 20 दिसंबर 2022 से। जुपिटर की यहाँ पे जो प्लेसमेंट होती है ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है। सातवें घर की प्लेसमेंट इसकी बड़ी अच्छी है। आपके अज़दवाजी शादी जो मामलात हैं उसमें जो खराबियाँ चल रही थी मार्स की वजह से, उनको कवर करेगा। मार्स ने अगले दिनों में मज़ीद ख़राब होना है, लेकिन जुपिटर की यहाँ पे प्लेसमेंट इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए एक बड़ी जो है वो स्पोर्ट जो है वाक्य होगी। और यहाँ पे मैं स्ट्रांगली आपको एक चीज़ बताऊँ जो मेरे एक्सपीरियंस की बातें हैं, ये वो है, आपके मामलात में कोई बड़ा ख़ानदान का कोई बड़ा अच्छा नाम, आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली के कुछ बड़े भी हो सकते हैं, वो आपके मामलात में कुछ बीच बचाओ या कोई पैचअप की सूरत जो है वो निकालेंगे। ये एक किस्म के ब्रिज का काम इस वक्त यहाँ पे करेंगे। जुपिटर सातवें घर में शादी के हवाले से बहुत अच्छा होता है, अज़दवाजी खुशियों के हवाले से भी बहुत अच्छा होता है। खैर वो सब्जेक्ट एक अलग है, मैं उस पर भी इंशाल्लाह आपके लिए बात करूँगा। तो यहाँ पे रहते हुए इसकी जो पाँचवीं नज़र है वो आपके जायचे के 11वें गुडलक के घर पे होगी। इस तरह बड़ी कामयाबियाँ आप समेट सकेंगे, पार्टनरशिप की आपको ऑफ़र भी हो सकेगी और आपकी जो बड़ी ख्वाहिशात हैं उसकी तकमील जो है वो भी हो सकेगी। और इसके बाद जो इसकी नामी नज़र है वो एग्जैक्टली जुपिटर की नामी नज़र आपके जायचे के 6, 7, 8, 9 जायचे के तीसरे और अपने ही बुज पे होगी। इस तरह आप इस साल में बहुत सारी अपनी कम्युनिकेशन के सिस्टम जो हैं उनको डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप अपनी जो सोशल लाइफ है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं और कई एक नज़दीकी सफ़र आपके पहले 6 माह में यहाँ पे आपको नजर आएंगे। जून से जब ये आपके जायचे के 8वें घर में चला जाएगा तो हालात में थोड़ी सी तब्दीली होगी। 8वें घर में जुपिटर की पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती, तो यहाँ से इसकी जो पांचवी नज़र है वो जायचे के 12वें घर में होगी, लेकिन इमराज से निजात आपको मिल सकेगी, कर्जाजात से आपको जो है वो निजात मिल सकेगी, इमिग्रेशन के मामला जो है वो आपके बेहतर हो सकेंगे, शराती विरासती मामला में आपके बेहतरी आएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ बेहतर नहीं होती, आपके जो बड़े बहन भाई हैं, जो आपके सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनमें नज़दीकी सफ़रों में कुछ रुकावटें और उनकी जानब से कुछ हर्डल्स, कुछ परेशानियाँ, खुदा न खासा कुछ सदमात भी आपके सामने जो है वो आ सकते हैं। सैटर्न जो है ये आपके जायचे के 5वें घर में मौजूद है जब ये साल स्टार्ट होगा और ये 7 मार्च को यहाँ से निकल के आपके जायचे के 6ठे घर में आ जाएगा। 6ठे घर में सैटर्न की पोजिशन बहुत अच्छी नहीं होती, इस तरह ये आपके घर, प्रॉपर्टी, सवारी की खरीद फरोख्त और कुछ खानगी मामलात, कुछ वालदा की तरफ से अपोजिशन जो है आपको फेस करनी होगी। इसी तरह आपके बच्चों की साथ भी कुछ मामलात डिस्टर्ब होंगे आपके अगले सेक्टर में, मैं आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। जोहल की जो नज़रात हैं
ये इसकी तीसरी नज़र आपके आठवें घर पे, जबकि जुपिटर यहाँ पे मौजूद होगा, तो ये टाइम आपकी हेल्थ के लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं होगा। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। और इसकी अगली नज़र जो है वो आपके जाहिर है कि 12वें घर पे, यहाँ पे भी आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स ही जो है वो सामने आती नज़र आती हैं। छठे घर के बिल्कुल 7वीं नज़र इसकी मुकाबले पे होगी, आपके ओपन एनिमीज़, आपके हिडन एनिमीज़, कुछ इंक्वायरीज़ आपके जॉब के हवाले से आपको हर कदम फूंक फूंक के जो है अब रखने की ज़रूरत होगी। और फिर इसकी जो 10वीं नज़र है वो आपके जो है तीसरे घर पे, वहीं पे जहाँ पे जुपिटर की 9वीं नज़र थी पहले, वहीं पे ये अब आ जाएगा। तो इस तरह ये मामलात की तरफ आपको कुछ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी। आपकी फाइनेंस लिब्रस, मैंने एक चीज़ देखी है, मैं पहले उन दो प्लैनेट्स की बात करूँ, आप हर चीज़ को बड़े ही अच्छे अंदाज में लेके चलते हैं। इसको हम कहते हैं कि लिब्रस कुछ डिप्लोमेटिक तबीयत के भी मालिक होते हैं, और ये डिप्लोमेसी अगर नुकसान किसी को पहुंचाने की तरफ हो तो बड़ी ख़राब चीज़ है, लेकिन यही डिप्लोमेसी अगर ख़ुद को मुनज़्ज़म रखने के लिए, दूसरों से महफूज रहने के लिए इस्तेमाल की जाए और कुछ मामलात को पैचअप की तरफ लेके जाने में इस्तेमाल की जाए, तो ये बड़ी ही पॉजिटिव है। तो आपको अपनी इस चीज़ को पॉजिटिवली यूज़ करने की ज़रूरत इस साल जो है वो ज़्यादा महसूस होगी। एहतियात कीजिएगा अपनी जो आपके पास इंट्यूशंस आ रही हैं, क्योंकि 12वां घर जो है वहाँ पे नज़रात दोनों प्लैनेट्स की होंगी, सो आपने उनके ऊपर फोकस करना है। बहुत कुछ आपको आएगा, जो कुछ पीछे आपने किया है वो भी आपके सामने आने, लेकिन आपके तीसरे घर पे भी आ रही है अपनी तहरीर और तकरीर के मामलात को फोकस कीजिएगा। कोई ऐसा काम ना कर लीजिएगा खुदा न खासा जिससे आपके लिए जो है प्रॉब्लम हो, बिलखसूस आपको अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप को एक बॉन्डिंग में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, इस पे थोड़ा सा काम कीजिएगा। फाइनेंस आपकी का लॉर्ड जो है ये मार्स है, मार्स स्टार्टअप ऑफ द साल से ही जो है ये नेगेटिव होगा, ये आपके जाहिर है कि 9वें घर में है, रेट्रोग्रेड है, लेकिन रेट्रोग्रेशन इसकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर यहीं पे स्टार्टअप करेगा। तो ये टाइम कुछ आपके लिए जनवरी फरवरी फिर भी बेहतर होगा, मिड ऑफ द मार्च में ये आपके जायचे के 10वें घर में आ जाएगा और डेबिलिटेड भी होगा। तो इस वक्त आपको अपनी फाइनेंस के ऊपर बड़ा फोकस करना है, स्पेशली नई इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको बहुत एहतियात करनी है, कोई ऐसी गलती मत कीजिएगा। ये टाइम आपका तकरीबन 2 महीने का, मिड ऑफ मई तक आपने कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। नई इन्वेस्टमेंट करने की बजाय अपनी मालियात को जो है वो तवाजन में लेके जाइएगा, तो फिर आपका मामला जो है वो बेहतर हो जाएगा। मई से आखिरी अगस्त तक जो है वो हालात काफ़ी बेहतर रहेंगे, सितंबर अक्टूबर कदरे आपका जो है वो मिला जुला रहेगा, जबकि नवंबर दिसंबर एक बार फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। इंशाल्लाह आप एक अच्छा मैनेज करने वाली पर्सनालिटीज़ होते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी हैं, आप इन चीज़ों को समझ के थोड़ा सा प्लान कीजिएगा और इंशाल्लाह आपने अगर प्लान किया तो आप बहुत ही कामयाब हो जाएंगे। उन दिनों में जबकि आप माली तंगी का सामना हो, आपको सदका दे के परवरदिगार से आप तिजारत कर सकते हैं। ये सदका 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका दे के हर मंगल को आप जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपनी हस्ब इस्तात 9 के डिजिट को जायन और रेड कलर को जेन में रखते हुए जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतरीन इंशाल्लाह होगा। और कोशिश कीजिएगा कि ये मामला किसी डिज़र्विंग पर्सन तक चले जाए तो बहुत अच्छा है। अगला जो सेक्शन है वो आपकी मंगनी है, आपकी औलाद है, आपकी लव लाइफ है, यहाँ पर आपके सटन 5वें घर का लॉर्ड है और पहले जनवरी फरवरी में ये बड़े अच्छी पोजीशन में होगा, आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी और उसके बाद ये आपके जायचे के चला जाएगा छठे घर में मार्च में, तो फिर आपके लिए कदरे हालात कुछ मिले जुले होंगे। अब आपकी मंगनी तय पाना थोड़ा मुश्किल होगा, और अगर आपकी पहले से मंगनी तय है तो आपके फ्यूंसी के साथ कुछ थोड़ा सा अपोजिशन वाले मामला जो हैं वो भी डेवलप हो सकते हैं। ठीक इसी तरह आपके बच्चों के साथ कुछ इख्तलाफात और उनकी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, ये फिर जो है वो एंड तक चलेगा और जून तक नवंबर जबकि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन भी होगी, आपको फिर अपने मामलात को बड़ा ही बेहतर अंदाज में चलाने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिएगा कि आपके बच्चे, स्पेशली जो आपके बड़े बच्चे हैं, उनके साथ आपकी अपोजिशन वाली सिचुएशन ना बने। आपको यहाँ पे अपने बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा टाइम देने और उनकी चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी। इंशाल्लाह अगर आपने मेरी बात पे इस पर फोकस किया तो आप यहाँ से निकल जाएंगे।
शक्ति अजवाजी मामला यहाँ पे आपका जो है वो बुर्ज हमल आया है, मरीख इसका लॉर्ड है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मरीख नामे घर में आपके होगा, फिर भी कदरे मुनासिब जुपिटर भी यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जो टाइम आपका मिड मार्च से मिड मई तक है, इसको आपने बड़ी एहतियात के साथ जो है गुजारना है। इस टाइम में आपके कुछ इख्तलाफात इस हद तक बढ़ सकते हैं कि आपके मबैन अलहदगी तक बात जा सकती है। हालांकि मैंने ये कहा है कि जुपिटर यहाँ पे मौजूद होगा और ये मामला को समेटने में आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा। सदका फिर वही मंगल वाला ही सदका जो है वो यहाँ पे आपके लिए इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। और इसी ड्यूरेशन में अप्रैल में एक और बेनिफिट आपको मिलेगा, जबकि सन जो कि आपके घर में गुड लक का लॉर्ड है वो यहीं पे जो है वो सातवें घर में शर्फियाब होगा। ये चीज़ भी आपको जो है वो सस्टेन करने में या मामलात को हील अप करने में बड़ी मदद देगी। और ये ऐन वो वक्त होगा जबकि मरीख ऐन अपने हबूती मामलात से अपने वो उन चीज़ों के करीब से जो है वो गुजरा होगा। कुदरत की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो इंशाल्लाह मिल सकेगी। उसके बाद अगला सेक्शन हमारा है एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो आपकी बेसिक एजुकेशन का लॉर्ड जो है वो जुपिटर है, और जैसे कि मैंने कहा कि साल के पहले छः महीने इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, आपको अच्छा माहौल मिल सकेगा। बेसिक एजुकेशन जो बच्चे हमारे हैं आपको मामला इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे, लेकिन जो जून के बाद का आधा साल है उसमें आपको इर्तकाज की कमी का सामना होगा, और कुछ हेल्थ के मसाइल भी आपके सामने आ सकते हैं। डीप थाट्स और ख़ुद को कोशिश कीजिएगा बेटा ज़हनी तनाव से दूर रखें। एक्चुअली तो ये ज़िम्मेदारी आपके पेरेंट्स की है, लेकिन यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्गली कहूँगा कि ख़ुद को ज़हनी तनाव से दूर रखिएगा और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्केल 12 से 14 की एजुकेशन जो है इसमें पहले दो माह फिर भी आपको बेहतर मिलेंगे, जबकि सैटर्न और सन भी पाँचवीं पोजिशन में अच्छा होगा, ये आपको फिर भी बेहतर मिलेंगे। लेकिन बेटा जैसे मैंने बताया कि सैटर्न जो कि पाँचवें घर का लॉर्ड है छठे घर में चला जाएगा, तो फिर आपको कुछ नामवाफिक हालात का सामना करना हो सकता है। ये नामवाफिक हालात जो हैं वो आपको अपने टीचर्स की तरफ से भी देखने पड़ सकते हैं और आपके इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी देखने पड़ते हैं। आपको बहुत ही जोर लगाना है, इस पर फोकस करना है, इस पर तवज्जो देनी है। ये वो मैटर है कि जैसे एक मिसाल है कि इंसान ने किसी पुल से गुजरना हो और कुछ मखदूश हालात हो तो वो बड़ा फोकस होता है, अपने एक एक, एक पैर जो है वो इस हिसाब से रखता है फुटस्टेप्स को कि ना वो डगमगाए और ना ही कुछ डैमेज हो। इंशाल्लाह आप निकल लेंगे। हर हफ्ते को 800 ग्राम काले माश का सदका देके आप इस मामले को जो है वो कवर कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन हो, आला एजुकेशन हो आपकी, या उसी के हवाले से कोई बैरून मुल्क ट्रैवल हो, स्पिरिचुअलिटी के हवाले से हो, तो आपके लिए जनवरी जो है वो कुछ मिला जुला होगा, फरवरी आपके लिए बेहतर रहेगा। मार्च के महीने में आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। उसके बाद अप्रैल ता सितंबर फिर हालात आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। आप हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, इसके लिए बाहर भी जा सकते हैं आप, तो ये चीज़ें आपके लिए इंशाल्लाह जो है वो बेहतर रहेंगी। अलबत्ता अक्टूबर का महीना कुछ मिला जुला और फिर नवंबर दिसंबर एक बार फिर आपके लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहते हुए नज़र आएंगे। मुझे पता है पिछले काफ़ी टाइम से मैं आपको जो इसी वीडियो में आपको नेगेटिव खबरें जो है वो मिल रही हैं, तो उसमें ये ठंडी हवा का झोंका साबित होगा, लेकिन एक्चुअल चीज़ ये है कि अगर हमें पता नहीं है तो फिर हम कहीं भी गिर सकते हैं, लेकिन अगर हमें पता है तो हम कॉन्शियस हैं, हम उस मामले में अपने स्टेप्स जो है वो ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये जनरल है, इंडिविजुअल माइट आपके हालात इससे बहुत ही बेहतर हों, फिर भी आप व्हाट्सएप नंबर पे जो है रब्ता करके अपने लिए बहुत ज़्यादा मामला को देख सकते हैं। छठा घर आपकी हेल्थ, छठा घर आपकी हेल्थ और आपकी जॉब, इस शोभा में आपको हद दर्जा एहतियात करने की ज़रूरत है, चूँकि सैटर्न जैसा प्लेनेट जो है वो आपके जायचे के छठे घर में आ रहा है मार्च से। छठे घर में सैटर्न की पोजीशन अच्छी नहीं होती, फिर छठे घर का लॉर्ड जुपिटर जो है वो भी जून से जो है वो आपके जायचे के आठवें घर में मौजूद होगा। सो आपको बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ के बारे में, मैं कहूँगा स्पेशली अपने फिट्स के बारे में, अपने जो आपकी टखने हैं, जो पैर हैं, यहाँ की तकलीफ, और इसके अलावा आपको अपना स्टमक से मुतलका जो मामला था उसको देखने, और थर्ड आपको अपने गला, अपनी थ्रॉट, ये पोर्शन पे जो है वो ज़्यादा फोकस देना है। अलगर्जी ना कीजिएगा, पहली फुर्सत में डॉक्टर को दिखाइएगा, इस मामले में किसी चीज़ को जो है वो आपने ईजी नहीं लेना। और ठीक इसी तरह कहूँगा कि आपने अब जो है वो जॉब छोड़ने की गलती नहीं करनी,
अगर आपने अब जॉब छोड़ी तो फिर आपको अगला बहुत सारा टाइम जो है वो जॉब लेस जो है वो आपको रहना पड़ सकता है। स्पेशली दो रिजत आपको डिस्टर्ब करेंगी, छठे घर में ही जोहल की रिजत और छठे घर का हाकिम जो है वो मुश्तरी, उसकी भी रिजत है। तो ये रिजत जून से स्टार्ट हो रही है, जोहल की जून से नवंबर तक है, मुश्तरी जो है सेप्टेम्बर से दिसंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। ये पोर्शन आपको बिलखसूस जो है वो बड़ा केयरफुली जो है वो गुजारना है। आपका बिजनेस, आपका कैरियर इस तरह। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई अगर जॉब ही बचानी मुश्किल है तो फिर कैरियर क्या, तरक्की क्या, कैसे? तो ये लाजमी तो नहीं कि आपकी जॉब चले जाए, ऐन मुमकिन है कि आप मेरी बातों पे जो है वो मेरी हिदायत पे अमल करते हुए इस मामले को कवर कर जाएं, तो फिर आपके लिए तरक्की के रास्ते इंशाल्लाह आपके लिए खुलेंगे। आपका जो कुदरत का निज़ाम देखें, आपका जो दसवें घर का लॉर्ड है जो कि आपके कैरियर आपके बिज़नेस से रिलेटेड है, ये हर माह शफियाब होता है, एवरी मंथ शरफ़ कमर पे, और हम ख़ास इसके ऊपर एक वीडियो भी देते हैं। तो ये आपको एक बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। मिड मई दसवें घर में मार्च जो है वो ये डेबिलेटेड होगा। इन महीनों में, इन औकात में, ये दो महीने होंगे, इन औकात में जॉब या कैरियर के हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला मत कीजिएगा, और अपने बिज़नेस के हवाले से मैं कहूँगा इसको ना ड्रॉप कीजिएगा, ना इसमें नई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बल्कि ये दो महीने आपको जैसे तैसे भी गुजारने हैं। उसके बाद हालात जो है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे जुलाई के महीने से, जब सन यहाँ पे आएगा, और फिर अगस्त में भी आपके हालात बहुत बेहतर होंगे। मार्स भी सपोर्ट करेगा क्योंकि वो आपके जाज के 11वें मूव करेगा, 11वें 12वें में, तो ये टाइम आपके लिए फिर बहुत ही अच्छा जो है वो रहेगा। फिर यहाँ पर एक और आपको सपोर्ट मिलने वाली है, और वो भी आपको इंशाल्लाह इस मामले में बड़ी ही कंफर्टेबल करेगी। आपके लिए पहले 6 माह ख़ास तौर पे बिज़नेस में कदर मिले जुल, और वो 6 माह नहीं कहना चाहिए, मैं ये कहूँगा कि आपको मिड मार्च से मिड मई तक बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। उसके बाद इंशाल्लाह आपके मामला जो है वो बहुत बेहतर होते इंशाल्लाह आपको मिलेंगे, और ये वो टाइम होगा जब आप जो है वो ग्रो अप भी कर सकें। आपको मैं स्ट्रॉन्गली कहूँगा कि सैटर्न और जुपिटर के हवाले से स्पिरिचुअल रेमेडी ज़रूर कीजिएगा, उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और अपने हाथ में अगर मुमकिन हो तो एक रूबी पहने ताकि आपकी गुड लक जो है वो इनहेंस हो सके। ये आपके 11वें घर का लॉर्ड है सन, ये इनहेंस हो सके। और अगर आप अपनी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को अप करना चाहें तो आप अपने हाथ में एक वाइट ओपल जो है वो पहन सकते हैं। हर हफ्ते को 800 ग्राम काले माश का सदका देना अपना मामूल बनाइए, और हर ट्यूज़डे को जो है वो 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका, ट्यूसडे वाला सदका आपको जो है वो वस्त जून तक जो है वो देने की ज़रूरत है, उसके बाद इसकी ज़रूरत इंशाल्लाह आपको नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूँ इन मालूमात की रोशनी में आप अपने इस साल को बहुत बेहतर प्लान कर लेंगे। आपके लिए बेहतरीन जेमस्टोन मैंने बता दिए हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट jawajem.com विज़िट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके तो आप ये स्टोन दुनिया में कहीं भी हो आप हासिल कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मैंने आपको इंटीमेशन किया है बहुत ही मुख्तलिफ हालात जो है, मैं आपको ग्रीन गार्डन कोई नहीं दिखा सकता था, चूँकि मुझे एट दी एंड आपने जब तजिया करने तो आपको पता चलना है कि भाई बताया किसने था सही, आपको सही हालात से गाई गई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि तुम्हारा बेहतरीन दोस्त वो है जो तुम्हें तुम्हारी खामियों से आगाह करे। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।